मुस्कुराते चेहरे, कीर्तन करते लोग। तैयारी है लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी तीर्थ यात्रा की, वो भी मुफ्त। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सोमवार को फिर से शुरू हुई, जिसमें गुजरात के द्वारकाधीश और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे 600 लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। दिल्ली के बवाना से आई 80 साल की केला देवी ने जीवन में कई तीर्थ यात्राएं की, लेकिन इतनी लंबी यात्रा पहली बार कर रही हैं। देखने के जी नहीं करते बुढ़ापे में, आप तो जवानी में घूम लिए, ये बुढ़ापे में तो घूमना चाहिए ना, थोड़ा बहुत आनाना चाहिए। केला देवी अपनी बहू के साथ यात्रा कर रही हैं। बहू बताती हैं कि ऐसी योजना बुजुर्गों के लिए मुफ्त होनी क्यों जरूरी है। नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई बुजुर्ग सामर्थ नहीं हो पैसे के लिए, तो ये उनके लिए यात्रा बहुत फायदेमंद है। जिनके पास पैसे नहीं हो उनके बेचारों के लिए, तो ये यात्रा उनके लिए फायदेमंद पूरी है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बुजुर्ग तीर्थयात्री और उनके अटेंडेंट मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अलग अलग फायदे गिना रहे हैं। जो बुजुर्ग अब जा रहे हैं ना, ये अगर अकेले भी जा रहे हैं तो ये इसी वजह से जा रहे हैं कि ये सब लोग एक हैं। जब इनको साथ लेके जाते हैं इनकी मदद करेंगे, जैसे मेरी जरूरत मेरे को इनकी जरूरत पड़ी तो मैं भी इनकी हेल्प करूंगा, तो मिलजुल के चलते हैं। जिंदगी में हम कहीं नहीं घूमे तो हमें घूमने का मौका मिल गया। हमें बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है जाने में, भेज रहे केजरीवाल जी, हमें अच्छा लग रहा है। 15 रूट पर चल रही तीर्थ यात्रा योजना में अब तक दिल्ली के 70,000 से अधिक बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अभी तक 70,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं दिल्ली के, और हम एक एक सीनियर सिटीजन को, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के सरमन कुमार, सबको यात्रा करवाएंगे। दिल्ली में मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना बीते कई साल से चल रही है, लेकिन बीते साल एमसीडी चुनाव के चलते योजना रुक गई थी, जो अब फिर शुरू हुई है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।